देखिए जो स्पिरिचुअलिटी है ना, मैं आपको बताता हूँ, जो स्पिरिचुअलिटी है ये नए शब्द है, और ज्यादातर जो नए शब्द है ना वो उतनी डेप्थ वाले वर्ड नहीं है। जो पुराने शब्द है, जो डेप्थ वाला वर्ड है, दैट इज रिलीजन, धर्म। कितना भी धर्म को पॉल्यूट कर दो, कुछ भी कर दो, देखिए अगर हमारे बीच के कुछ लोग उसको पॉल्यूट कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं? जो पॉलिटिशियंस होते हैं। रिलीजन को बदनाम कौन करता है? पॉलिटिशियन करते हैं। लेकिन रिलीजन के नाम को जिंदा रखना, उसकी पॉजिटिविटी को बनाए रखना, वो किसका काम है? हमारी सोसाइटी के जो सेंट्स हैं वो उनका काम है। और हम लोग की सोसाइटी में देखिए हर तरह की एनर्जीज हमेशा होती हैं, एगल्स भी होते हैं, सेंट्स भी होते हैं। अब देखिए जो कॉमन मैन है वो सेंट्स तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? वो सेंट्स तक इसलिए नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि अगर आप उनको इनेबल नहीं करोगे, आप उनको एम्पावर नहीं करोगे, आप उनको कनेक्ट नहीं करोगे, आप उनको सरेंडर नहीं करोगे, आप उनको रेस्पेक्ट नहीं दोगे, तो फिर आप उनसे कनेक्ट नहीं करोगे। और फिर देखिए, लेकिन एक जैसे एक मार्केट में डिमांड सप्लाई जैसी कोई चीज होती है, तो आप एक्चुअल आपकी जरूरत है कि आप ट्रू सेंस से कनेक्ट करो, लेकिन आप वहां पे एफर्ट्स नहीं कर रहे, तो उस वैक्यूम को भरने के लिए कुछ बिजनेस पर्सन आ जाते हैं बाबा जी बन के। वो सेंस वेंस कुछ नहीं है, उनके पास कोई आंसर्स नहीं है, उनको बस आपको, वो आपकी साइकोलॉजी को जानते हैं, वो आपके पेन को जानते हैं, वो आपकी ग्रीड को जानते हैं, आपके फियर को जानते हैं, और उसके साथ खेलते हैं और अपनी वेशभूषा जो है वो बाबा जी की बना लेंगे। सो उसमें उनकी गलती नहीं है। सो होप मैं कम्युनिकेट कर पाया। सो द वर्ड इज रिलीजन, धर्म। कुछ लोग मैं देखता हूँ कि फेसबुक पे लिखते हैं कि नहीं, वी आर नॉट रिलीजियस, वी आर स्पिरिचुअलिस्टिक पर्सन। ये सब ना फैशनेबल बातें हैं, ये सब वो बातें हैं। देखिए जिसका जो रियलाइज पर्सन है उसको पता है कि क्या क्या सही है, क्या गलत है, क्या डेप्थ की चीजें हैं, क्या फैशनेबल चीजें हैं। सो द राइट वर्ड इज द रिलीजन, हिंदी में धर्म। धर्म की डेफिनेशन आप पूछोगे तो धर्म की डेफिनेशन ये है कि वो प्रिंसिपल्स, वो टीचिंग्स जो हमें जीने का तरीका सिखाता है, या जिसको हमें फॉलो करके लाइफ को जीना चाहिए, दैट इज द धर्म। स्पिरिचुअलिटी को मैं बहुत, ठीक है वो वर्ड्स है हम लोग भी यूज करते हैं, लेकिन वो कोई बहुत डेप्थ वाला वर्ड नहीं है। रिलीजन इज द वर्ड। नेक्स्ट है बिजनेस के लिए क्या करना चाहिए सक्सेस के लिए। देखिए बिजनेस के लिए, सक्सेस के लिए माइंड मास्टरी, माइंडसेट मास्टरी, बिजनेस स्किल्स, वो सब चीजों को करना चाहिए, वो मेजर रोल कंट्रीब्यूट करती है। जो स्पिरिचुअल लर्निंग्स हैं, जो स्पिरिचुअल टीचिंग्स हैं, वो हमें अलाइन करती हैं, वो हमें सोलफुल बनाती हैं, वो। और जब लोग, हम लोग जितने अलाइन होते हैं, जितने सोलफुल होते हैं, उतना हम लोग के वर्ड्स की वैल्यू, ऑरा की वैल्यू, मैनिफेस्टेशन हम लोग का उतना स्ट्रांग होता है। लेकिन कभी भी स्पिरिचुअलिटी को, रिलीजन को उस पर्पज से आप यूज करने की कोशिश करोगे तो आप उसको यूज नहीं कर पाओगे। आप इसका जो पर्पज है उसको उसी पर्पज से यूज कीजिए। ये आपकी लाइफ में, आपके लाइफ में सेटिस्फेक्शन, पीस को बढ़ाता है, ये इसका मेन पर्पज है। बाकी जो बेनिफिट्स होते हैं वो बाय प्रोडक्ट होते हैं। आप सोचो कि ये इसलिए करें कि वो कर ले, यहाँ पे चालबाजी नहीं चलती है, क्योंकि यहाँ पे जो माइंड है वो जंग है। यहाँ पे इस अरिना में माइंड माइंड ही ऑब्स्टेकल हो जाता है। हाउ टू कैलकुलेट स्पिरिचुअल एस्पेक्ट इन सेल्फ असेसमेंट। देखिए जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को, ऐसे देखिए आपकी लाइफ में आप कितने ऑनेस्ट हैं, हो पा रहे हैं, अपनी ऑनेस्टी को कितना मेंटेन कर पा रहे हैं, आपका पीस लेवल कितना है, आप कितने, आप वाकई में कितने पीस, आपकी लाइफ में पीस लेवल कितना है, सेटिस्फाइड आप कितने हैं, फिर जो स्पिरिचुअल वाइब्स हैं उनसे कितना आप कनेक्ट कर पा रहे हैं। सो ये सब चीजें हमारे जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को सेल्फ असेसमेंट करने में हेल्प करती है। और जो स्पिरिचुअल अरीना है, आप कितना उस अरीना में कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं। और देखिए वो जो थ्री पैरामीटर्स है हम लोग का, आप देखिए आपकी लाइफ में थैंकफुलनेस कितना है, आपकी लाइफ में उतनी ही प्रॉस्पेरिटी होगी जितने आप थैंकफुल होंगे। सो स्पिरिचुअल असेसमेंट के लिए आप देखिए कि आप तेरी मर्जी को कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, गॉड रिमेम्बरेंस कितना आ रहा है, ये चीजें बताती हैं कि हम हमारा जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है इन पैरामीटर्स में हम उसको असेस कर सकते हैं। क्योंकि देखिए लाइफ हमारे सामने उतनी ही खुलती है जितना हम उसको खोलते हैं, लाइफ हमारे सामने उतनी ही खुलती है जितना हम उसको खोलते हैं। इसीलिए हमें लाइफ में मेंटर्स की, मास्टर्स की जरूरत होती है, क्योंकि वो हमें बताते हैं, वो हमें डायरेक्शन देते हैं कि तुम्हें क्या सोचना है, तुम्हें क्या करना है, लाइफ में क्या पॉसिबिलिटी है। अगर हमें, देखिए हमारा जो, हम लोग की जो लाइफ है हमारे ब्रेन से चलती है, और हमारे ब्रेन को डायरेक्शन हमें कहाँ से मिलता है? हम जिसको भी सुनते हैं, हमारी जो भी है, जो भी लर्निंग है, जिसके भी साथ हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वहीं से डायरेक्शन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज टेल अबाउट क्लीनिंग, चार्जिंग,
ऑफ चक्र। देखिए आज हमने जो मेडिटेशन सेशन किया था, जो सेशन किया था, उसमें चक्र को क्लीन करने का जो टेक्निक था हमने वो प्रैक्टिस किया था। बाकी देखिए जो हमारे जो सेवन चक्रास हैं, आप उनको कलर इमेजिनेशन से थोड़ा सा एम्पावर कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताऊँ वो ये है कि हमारे जो ब्रेन के जो ब्लॉकेज होते हैं, असली ब्लॉकेज वो होते हैं, हमारे ब्रेन में जो नेगेटिव बिलीफ होते हैं, असली ब्लॉकेज वो होते हैं, उनको रिमूव करना ज्यादा जरूरी है। रादर देन आप केवल चक्रास पे फोकस करते रहिए, उससे आपको उतना ज्यादा फायदा नहीं होगा। हाँ, एनर्जी सेशन आप थोड़ा सा जैसे हमने आज किया उस तरीके से थोड़ा सा कर लेंगे तो आपकी चेंजिंग हो जाएगी, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमें ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, वो ये है कि हमारे ब्रेन में जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं, जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, जो नेगेटिव बिलीफ होते हैं, असली ब्लॉकेज हमारे ब्रेन में होता है। सो उसको रिमूव करना वो ज्यादा जरूरी है, रादर देन कि आप केवल चक्रा की क्लींजिंग करते रहे। अगर आपका ब्रेन में क्लैरिटी है तो आपके चक्रा में क्लैरिटी होगी, क्योंकि देखिए हमारा जैसे एक प्रिंसिपल है जो कहता है कि देयर इज नो ब्रेन, देयर इज नो बॉडी, बॉडी इज द एक्सटेंशन ऑफ ब्रेन, ब्रेन इज द एक्सटेंशन ऑफ बॉडी। आप ये मत सोचिए कि ब्रेन कोई यहाँ तक की चीज है और बॉडी अलग चीज है, सारे आपस में इंटर रिलेटेड है, सारे आपस में इंटर रिलेटेड है। तो हमारा हम लोग जब ब्रेन बोलते हैं तो समझ जाइए कि ब्रेन का मतलब पूरे बॉडी ऑर्गन की बात कर रहे हैं। तो हमारे जो ब्रेन में जो ब्लॉकेज है उसको क्लीन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन चक्रा क्लींजिंग को। चक्रा क्लींजिंग की ज्यादातर बातें वो लोग करते हैं जो चक्रा मेडिटेशन या चक्रा के आसपास अपनी स्पेशलिटी दिखाने की कोशिश करते हैं। सो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके जो ब्रेन के जो वो है बिलीफ नेगेटिव इमोशंस नेगेटिव इमेजेस उसको क्लीन करेंगे तो आपकी पूरी बॉडी पूरे चक्रा अपने आप क्लीन हो जाते हैं।